जोधा भाई का महल है, ये जोधा भाई के महल की तरफ जाने वाला रास्ता। अकबर बादशाह ने महल को तामीर किया था जोधा भाई के लिए। जोधा भाई का महल जोधा भाई के महल पे हम पहुंच गए हैं। ये अंदर का पोर्शन है, यह तुलसी, यहाँ पर ही जोधा भाई पूजा पाठ करते थे, जो हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से जो मॉर्निंग में किया जाता है ये तुलसी के झाड़ पे। और ये जो है मेरे पीछे ये है मेन गेट, इस साइड से पैसेज बनाया है उन्होंने। जो एंट्री थी जोधा भाई की, जो फ्रंट गेट है वहाँ से एंट्री हुई थी जब महल बन के पूरा का पूरा हो गया था। और यहाँ पर शूटिंग भी हुई है जोधा अकबर की। ये इसके पीछे जो है, इसके पीछे मंदिर है जो अकबर बादशाह ने जोधा भाई के लिए बना के दिया था। और बाकी ये महल बहुत बढ़िया बनाया है, रेड ग्रेनाइट के अंदर, पूरे रेड ग्रेनाइट के अंदर ये बनाया है महल उन्होंने। कुछ टूर्स एंड ट्रैवल्स वाले आए यहाँ पे और गाइड्स भी लेकर आए, पूरी इन्फॉर्मेशन तो गाइड्स देते नहीं, सो नॉर्मल बोल देते बस इतना ही। आपको अंदर का पोर्शन बताता हूँ मैं। ये है राजघराने की शान जोधा भाई का महल। सामने एंट्री है, ये एंट्री गेट है महल का। यहाँ पर पैसेज बनाया, पानियों का पैसेज। जोधा भाई वहाँ पे खड़ रहते थे जब भी आते थे अकबर बादशाह। और यहाँ पे परिंदे बहुत सारे मिलेंगे। ये मेहराब बनाए हुए हैं पूरे अंदर की साइड में। यहाँ पे दीवान भी लगता था, जोधा भाई एक दीवान कंडक्ट करते थे तो यहाँ पर दीवान होता था। ये जो दिख रहा है पोर्शन, वेट में बता देता हूँ आपको, ये पोर्शन है यहाँ पे दीवान लगता था, जोधा भाई का दीवान बोलते थे उसको। तो ये दीवान जो लगता था यहाँ पर, कुछ जो फैसले रहते थे वो खुद लेते थे जोधा भाई अकबर के अब्सेंस में। तो यहाँ पर दीवान लगता था, छोटा मोटा दीवान रहता था, ज़्यादा बड़ा नहीं। फ्लावर्स जो है वो अपने अपने इनिशियल के साथ में, यहाँ पे देखो पेंटिंग कारीगरी की गई है, यानी जो बनाने वाला था वो बंदे ने एक जगह भी नाम नहीं लिखा यहाँ पे महल के अंदर। और जो बंदे घूमने के लिए आए टूरिस्ट के वास्ते अपने मोहब्बत के लिए, दीवार रंग के पूरी दीवार रंग डाली इन्होंने। अंदर अंदर के साइड में भी देखो, अंदर के साइड में भी पूरे हर जगह इन्होंने नाम लिख दिया अपने 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 महबूबा के। अकबर भी सोचता होगा बेचारा अंदर से कि भाई ये क्या कर दिया इन्होंने, इमारत मेरी थी और नाम खुद लिख के चल के। की साइट का इसका रिकंस्ट्रक्शन चालू है, रिनोवेशन जिसे हम कहते हैं अंडर गवर्नमेंट। ये मॉन्यूमेंट्स का रिजर्वेशन किया जाता है। ये हमारे बिरबल का मकान है, बिरबल आपने पढ़ा तो होगा, बिरबल के नाम से ये महल को बोला जाता है, बिरबल का मकान, बुद्धिमान मानुष। अभी ये नए जमाने का लॉक लगाया है, पर ये पुराने जमाने लॉक नहीं रहते थे, सीधे दरवाजे ही रहते थे। कारीगिरी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है, एक नंबर कारीगिरी कही गई, पैसा वसूल कारीगिरी करते थे वो लोग, क्योंकि उनको पैसा भी वैसे मिलता था। है घोड़ों का अस्तबल पीछे की साइड के अंदर का, देखो ये है टॉयलेट्स, पुराने जमाने के टॉयलेट्स है, फर्स्ट क्लास बैठो प्रॉब्लम नहीं, गड्ढे, ये पुराने जमाने के लैट्रिंग्स महल है। यहाँ पे तानसेन बैठा करते थे जो भी प्रोग्राम होता था, तो बीच में अनूप तलाव करके इसको बोला गया है, बीच में तानसेन बैठा करते थे। तो अकबर की हाइट 5'6" थी शायद,
तो उसकी वजह से ये पिलर्स भी छोटे बनाए गए हैं। एंड झुक कर सलाम करते थे सब यहाँ पर अकबर बादशाह को। देखो हाइट बहुत कम है इसकी, बहुत ही ज़्यादा कम हाइट है। ये जो बेड है ये अकबर बादशाह का बेड है, ये ऐसा बना हुआ बेड है, ऊपर चढ़ने के वास्ते चंदन चंदन की लकड़ियों से इसकी सीढ़ी थी, अभी टूट गई है इसकी सीढ़ी। और खाने की चीज़ें रखी जाती थी यहाँ पे, दस्तरखान लगता था, एक किचन बोल कर किया जाता था, यानी यहाँ पर खाना खाने के लिए यहाँ पे दरबार लगता था, दरबान खड़े रहते थे बाहर, और ये रानियों के साथ में यहाँ पे खाना खाया जाता था अकबर बादशाह का। पानी का मटका है, इसमें पानी भरा जाता था राजा अकबर के टाइम पे, इसमें पानी भरा जाता था पूरा, और वो पानी यूज़ किया जाता था। इसके पीछे टॉयलेट बाथरूम जो अकबर बादशाह यूज़ करते थे, अभी गवर्नमेंट ने उसको बंद कर दिया। जो पहली रानी थी रुकैया बेगम, उसका है ये तुर्की की। पांच मंजिला इसलिए पंचमहल बोलते हैं इसको, फर्स्ट सेकंड फ्लोर थर्ड फ्लोर फाइव ग्राउंड से लेके फिफ्थ तक का पंचमहल। पीछे के साइड में दीवाने खाट, अरे वो जो टेबल दिख रहा है वो टेबल के ऊपर बैठकर वो चेस खेलते थे, वो जो टेबल दिख रहा है जहाँ पर बैठकर अभी लोग फोटो क्लिक कर रहे हैं वो चेस टेबल था, वो दीवाने खाट। ये जो है ये एक महल है, इसके अंदर मीटिंग्स होते थे अकबर बादशाह के, उनके सात मंत्री बैठकर मीटिंग करते थे ऊपर के साइड के अंदर। और ये था खजाना, यानी खजाना स्टोर करने का, खजाना स्टोर करने का था डिफरेंट डिफरेंट, जो अंग्रेज आए खजाना लूटने के बाद में वहाँ पर सिर्फ धूल मट्टी बची है यहाँ पर खजानची के लिए। दीवान खास ये है बादशाह अकबर का दीवान खास, मस्त पैकी बनाया हुआ। ये ऊपर यहाँ पे दीवान खास लगता था अकबर बादशाह का, नक्शा नकाशी कितनी भारी की है इसकी, एकदम ज़बरदस्त सिंगल पिलर पे बनाई हुई चीज़ है ये। वो था दीवाने खास, जो सात मंत्री थे खास, मैंने जो बोला पहले सात मंत्रियों के लिए बनाया गया था। अब हम जा रहे सामने के तरफ, सामने गार्डन बहुत बढ़िया गार्डन बनाया, गार्डन मिस मत करना ठीक है। ये बाकी सब उन्होंने रेड मार्बल में बनाई हुई चीज़ें हैं, ये हमारी अच्छी बात है इंडिया की कि हमारे इतने टूरिज़म बहुत आम हो रहा है इंडिया का, उधर फॉरेन ट्रिप है पूरी पूरे फॉरेनर्स है। वो है दीवाने खास, और यहाँ पे पब्लिक बैठती थी पूरी की पूरी, इसको सिकरी बोलते, वो जो था और जब अपने महल देखे वो फतेहपुर बोलते उसको, यानी इसको सिकरी बोलते। ये है गार्डन से निकलने का एरिया, यहाँ से सीधा उधर देखो बंदर के अंदर बैठे हुए, ये गेट है लास्ट वाला गार्डन का, बंदर ओ मोरे बंदर।